नमस्कार दोस्तों, रेजपी सिनेक एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग उच्चतम न्यायालय पर चर्चा कर चुके हैं और आज के इस टॉपिक में हम लोग उच्च न्यायालय के गठन संरचना, उसके शक्ति और प्राधिकार इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में अगर देखा जाए तो अन्य संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों की तरह से दोहरी न्यायपालिका की स्थापना नहीं की गई है, बल्कि भारत में जो है इकाई न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और जिले और अन्य स्तरों पर अधीनस्थ न्यायालय के रूप में व्यवस्था की गई है, जो कि इस तरीके की एक जो है हायरार्की और पद सोपान की व्यवस्था बनती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, हाई कोर्ट है और सबॉर्डिनेट कोर्ट है। तो इस तरीके से ये संरचना है, अधीनस्थ यहाँ पर है, उच्च न्यायालय है और ये है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में इकाई न्यायपालिका की व्यवस्था की गई, जबकि अन्य संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में अगर देखा जाए तो वहां पर संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान है, जबकि भारत में इकाई न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। भारत में अनुच्छेद आर्टिकल 214 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि एक या एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है और कई ऐसे राज्यों में न्यायालय हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। ऐतिहासिक रूप में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास इन तीनों जगहों पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई और 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। यहां से सवाल कई बार परीक्षा में भी पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल 214 के अंतर्गत जहां पर उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में स्थापित करने की बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, वहीं पर सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक न्यायालय कार्य कर सकता है। ऐतिहासिक स्तर पर 1862 ईस्वी में तीन राज्यों में और 1866 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के न्यायालय की जो स्थापना की गई है, यह एक ऐतिहासिक व्यवस्था है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आर्टिकल 215 के अंतर्गत आर्टिकल 215 में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा और अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है, ये हम सुप्रीम कोर्ट जब अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर अभिलेख न्यायालय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था। आर्टिकल 216 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा, समय समय पर इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है और ये संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 216 के अंतर्गत न्यायाधीशों की संख्या इत्यादि के बारे में स्पष्ट किया गया है। 217 में जो है यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति नियुक्ति करने में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे और राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व जहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है उन्हें परामर्श देंगे, वहां पर वह न्यायाधीशों के समूह से परामर्श के आधार पर उन्हें परामर्श देंगे और दो न्यायाधीशों के एक समूह के द्वारा उन्हें परामर्श दिया जाएगा। उस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के जहां पर नियुक्ति की जा रही है के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर किया जाएगा और भारत का मुख्य न्यायाधीश दो न्यायाधीशों के समूह से परामर्श के आधार पर ऐसी नियुक्ति के लिए परामर्श देंगे, जबकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में इन दोनों ही पदाधिकारियों के साथ साथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश
से भी परामर्श लिया जाएगा। इसमें हो गया नियुक्ति, इसमें हो गया संख्या, संख्या या संरचना होगी। कार्यकाल के संदर्भ में इनकी कोई निश्चित कार्यकाल के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इनके उम्र के आधार पर इनके कार्यकाल का निर्धारण किया गया है। पूर्व में यह 62 वर्ष था, लेकिन अब यह जो है 65 वर्ष हो गया। मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश अपनी उम्र के 65 वर्ष तक जो है उस पद पर बने रहेंगे, यद्यपि उसके पूर्व में यह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं, इसके पूर्व में त्यागपत्र भी दे सकते हैं, या इनको संसद में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया भी जा सकता है, और इनके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। 100 / 50 सदस्यों के द्वारा क्रमशः उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। जांच समिति बनाई जाती है, समिति की रिपोर्ट होती है, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होता है, देन राष्ट्रपति की स्वीकृति से उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये व्यवस्था इसके संदर्भ में अपनाई गई है कार्यकाल के संदर्भ में। योग्यता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वह भारत का नागरिक हो, यह सभी पदाधिकारियों के संदर्भ में है। उसे जो है 10 वर्ष की न्यायिक सेवा के बारे में जानकारी हो, या जो है 10 वर्ष के जो है वकालत का अनुभव। यहाँ उच्चतम न्यायालय में जब न्यायाधीशों में नियुक्ति थी तो 5 वर्ष था, लेकिन वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किए हों, लेकिन यहाँ पर न्यायिक सेवा के रूप में 10 वर्ष वो कहीं पर भी काम किए हों, और या 10 वर्ष के जो है वकालत का अनुभव। यहाँ विधि में पारंगत व्यक्ति को कोई विशेष प्रकार से नियुक्त करने की बात नहीं कही गई है, जो कि उच्चतम न्यायालय में आप लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से एक जो ढांचा बनता है अनुच्छेद 214 से लेकर के 217 के बीच में, वो आपको स्पष्ट होता है कार्यकाल और योग्यता। हाँ, इसके संदर्भ में एक शर्तें भी यहाँ पे बताई गई हैं, प्रतिबंध है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर के जो है उसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनके निर्णय को प्रभावित किए बगैर काम करने के लिए निष्पक्ष रूप से एक माहौल पैदा करने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से ये एक संरचना और ढांचा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का जो दिखाई पड़ता है। आर्टिकल 222 के अंतर्गत न्यायाधीशों के स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है, और यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति जो है अगर चाहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर यूं उन दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जहां से जा रहे हैं और जहां पर जा रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यह वही कंडीशन है जो उच्चतम न्यायालय में है कि यह पद रिक्त हो गया हो, या वो असमर्थ हो, या जो है छुट्टी पर चले गए हो, अवकाश पर चले गए हो, तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। 224 के अंतर्गत अपर मुख्य न्यायाधीश की जो व्यवस्था की गई है, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये नियुक्तियां की जा सकती हैं। सेम वहां पर ये व्यवस्था थी तदर्थ न्यायाधीश की, यहां पर है मुख्य न्यायाधीश की। यदि कार्य वहां पर बढ़ गए हो, काम की अधिकता हो गई हो, तो यहां पर नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा यहां पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो है कार्यकारी जो है न्यायाधीश के रूप में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, और यह नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो माध्यम से किया जा सकता है, और वहां पर यह था सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ये उच्च न्यायालय उसी या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जैसे वहां पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे वैसे यहाँ पे हैं, जैसे वहां पे तदर्थ न्यायाधीश थे वैसे अपर न्यायाधीश हैं यहाँ पर अपर मुख्य न्यायाधीश, और जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे वैसे कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से उच्च न्यायालय के गठन, उसकी इतिहास पृष्ठभूमि और इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय का क्या जो है संरचना होता है, क्या आकार हो
हो सकता है, उनके शर्तें क्या होती, कार्यकाल क्या होती, उनकी योग्यता क्या होता है। अब ये चर्चा करने के बाद हम लोग इनके शक्ति और प्राधिकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय अगर देखा जाए तो राज्य का राज्य स्तर पर जो है सबसे शीर्ष न्यायालय है। इसके बाद पास विभिन्न प्रकार के अपीलीय और क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में लाए बिना सबसे पहले वो उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, यद्यपि इससे संबंधित मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे लाए जा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे के न्यायालय में इसे नहीं लाया जा सकता, इसीलिए इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसका माना जाता है। तो मौलिक अधिकार, और दूसरा है विवाह से संबंधित मामले, तलाक से संबंधित मामले, वसीयत से संबंधित मामले, कंपनी लॉ से संबंधित मामले और न्यायालय के अवमानना से संबंधित मामले होते हैं जिन्हें प्रारंभिक स्तर पर उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों में इससे संबंधित मैटर को नहीं लाया जा सकता है। तो ये हो जाता है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार, विवाह हो गया, तलाक हो गया, वसीयत, कंपनी ला, कंपनी नियम और अवमानना, इससे संबंधित मामले जो है पहली बार उच्च न्यायालय में ही लाए जा सकते हैं। दूसरा अपीलीय, उच्च न्यायालय राज्य का शीर्ष न्यायालय है, यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सिविल और दांडिक दोनों ही मामलों में अपीलें की जा सकती हैं। अगर सिविल मामले में जो है देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालय के ऐसे जो है मामले जिनका मूल्य 5 लाख रुपए से जो है, रुपए 5 लाख से अधिक हो, उसे यहाँ पर अपील किया जा सकता है। कुछ न्यायालय जो पूर्व में प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित किए गए थे, जो 1862 ईस्वी में बताया गया है, जैसे महाराष्ट्र सॉरी मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, तो इनमें अंतर न्यायालय के रूप में काम करते हैं कि वहां पे एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध जो है भी वहां पे ही स्वयं अपील किया जा सकता है। तो इसे अंतर न्यायालय व्यवस्था कहा जाता है, और इस तरीके का प्रावधान मद्रास और कलकत्ता और मुंबई, इन तीनों न्यायालयों के अंतर्गत दिया गया है। 1997 ईस्वी में यह व्यवस्था की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि न्यायाधिकरण जो है वो भी उच्चतम उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, इसीलिए जो है न्यायाधिकरण, अधिकरण और पंचायतों के निर्णय को बिना उच्च न्यायालय गए सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, इस तरीके की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो इसके माताहत होते हैं उनके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वो उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। सिविल के साथ साथ जो है आपराधिक मामले, सिविल के साथ साथ आपराधिक किस्म के मामले, ऐसे मामले जिसमें 7 वर्ष की जो है सजा की जो है सुनवाई की गई है, ऐसे आपराधिक मामले में अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। लेकिन अगर मृत्यु दंड जो दे दिया गया हो, मृत्यु दंड के संदर्भ में अगर अधीनस्थ न्यायालयों में कोई निर्णय दे दिया गया हो सत्र न्यायाधीश के माध्यम से या पर सत्र न्यायाधीश के माध्यम से, तो उसे उसकी भी सुनवाई और उसका भी अनुमोदन प्रत्येक दशा में उच्च न्यायालय से होना आवश्यक होता है। इसी तरीके से आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है 1973 बनाई गई है, इससे संबंधित मामले भी उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। तो इस तरीके से इन सभी प्रकरणों में अपील अधीनस्थ न्यायालयों से सीधे जो है उच्च न्यायालयों में किया जा सकता है। तो प्रारंभिक अपीलीय हो गया और पर्यवेक्षणीय, पर्यवेक्षणीय अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में जिले में
विद्यमान सभी न्यायालयों, इसमें सैन्य न्यायालयों को छोड़कर सैन्य न्यायालयों के संदर्भ में यह व्यवस्था, सैन्य न्यायालयों के संदर्भ में यह व्यवस्था नहीं है। सैन्य न्यायालयों की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। यद्यपि राष्ट्रपति इनके द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय को इनके संदर्भ में कोई पावर नहीं होती है, क्योंकि सैन्य न्यायालय के अपने नियम और कानून अलग होते हैं। तो पर्यवेक्षणीय अधिकार के अंतर्गत जो है जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण करने का अधिकार इनको होता है। ये वहां पर उनके नियम, प्रक्रिया, संचालन इत्यादि के लिए नियम इत्यादि बना सकते हैं, संचालन और प्रक्रिया के लिए, और वहां पर शेरिफ, क्लर्क, वकील इत्यादि के शुल्कों का भी निर्धारण ये कर सकते हैं। और अगला कार्य इनका आता है प्रशासकीय कार्य। प्रशासकीय कार्य आर्टिकल 228 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मामलों की भी निगरानी कर सकते हैं, और उनको ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई भी ऐसा मामला है जिसमें विधि के व्याख्या या विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, जिसकी व्याख्या उच्च स्तर पर होना है, तो उस मामले को वो अपने पास मंगवा भी सकते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए कि मामले का स्थानांतरण, तो यह आर्टिकल 228 के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो ये पर्यवेक्षणीय काम है। जिला स्तर के भी जो है कुछ काम जो होते हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायाधीशों में 235 के अंतर्गत जिला जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के माध्यम से इसे करते हैं। और इसी तरीके से 234 में यह व्यवस्था की गई है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो PCSJ के माध्यम से जिन भी लोगों की भर्ती होती है उनके माध्यम से सिविल जज जूनियर डिवीजन, जिसे मुनसफ न्यायाधीश भी कहा जाता है, की भर्ती होती है, और इस मामले में उनके नियुक्ति चयन के संदर्भ में सिफारिश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। और ये माना जाता है कि राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति में राज्य लोक सेवा आयोग और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर किया है। इसी तरीके से आर्टिकल 235 के अंतर्गत है कि अधीनस्थ न्यायालयों के नियम इत्यादि का जो है निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इस तरीके से अधीनस्थ न्यायालय के गठन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है अवमानना। अवमानना अगर इसे देखा जाए तो यह अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। तो अभिलेख न्यायालय के रूप में भी ये कार्य करते हैं आर्टिकल 215 के अंतर्गत। तो अभिलेख न्यायालय के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कर दिया कि इनके निर्णय जो है साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे, और अगर कहीं पर किसी मामले के संदर्भ में उसे प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी विधि मान्यता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से इनके द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के निर्णय के कंप्लायंस यानी कि अनुपालन में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उस पर दंड का प्रावधान भी हाईकोर्ट के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था कहलाती है अभिलेख न्यायालय के रूप में। न्यायिक समीक्षा भी ये लोग जो है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये न्यायिक समीक्षा से संबंधित भी जो है कार्य करते हैं। न्यायिक समीक्षा से संबंधित कार्य करने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी स्तर पर कानून का निर्माण किया गया है, कोई प्रशासनिक आदेश या कोई नीतिगत मामले किए गए हैं जो संविधान की वर्तमान व्यवस्था या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय के द्वारा उसकी व्याख्या किया जाएगा और उस सीमा तक उन न्यायालय के द्वारा उस सीमा तक उस निर्णय, प्रशासनिक आदेश या कानून को शून्य के रूप में शून्य घोषित किया जाएगा जहां तक वह संविधान से टकराव की स्थिति में आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज उच्च न्यायालय की संरचना, ऐतिहासिक स्तर पर कब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसे देखने का प्रयास किया, उसके गठन, संरचना, कार्यकाल, उनको हटाने की व्यवस्था को भी देखा, और यहाँ उनके शक्ति और प्राधिकार के रूप में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में देखा,
जिसमें कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो प्रारंभिक स्तर पर हाई कोर्ट में ही लाए जा सकते हैं, उसे अधीनस्थ न्यायालय में नहीं लाए जा सकते हैं। कुछ मामले होते हैं अपीलीय, यानी कि जो सिविल और दांडिक किस्म के हैं आपराधिक मामले जो अधीनस्थ न्यायालय से प्रारंभ होते हैं, लेकिन उनकी क्राइटेरिया दिया गया है, उनकी शर्तें दी गई हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय में वो अपील के लिए ले जाई जा सकती हैं। और कुछ प्रवेक्षणीय काम होते हैं, प्रशासनिक काम होते हैं, जिला में जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके संदर्भ में होता है, अभिलेख न्यायालय के संदर्भ में काम करते हैं, और न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भी इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम भारत की संघात्मक व्यवस्था में अन्य देशों में विद्यमान दोहरी न्यायपालिका के होते हुए भी भारत की इकहरी नागरिक न्यायपालिका की व्यवस्था को देखा, जिसमें हमने पूर्व के लेक्चर में शीर्ष पर विद्यमान उच्चतम न्यायालय और आज के इस लेक्चर में राज्य या प्रांतों में विद्यमान उच्च न्यायालय की व्यवस्था को समझने का प्रयास किया कि किस तरीके की भूमिका होती है उच्च न्यायालयों की, न्याय के संदर्भ में उनके द्वारा किस तरीके से मानकों को स्थापित किया जाता है, न्यायिक समीक्षा की जाती है, अभिलेख न्यायालय के रूप में काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आए थे, उसी तरीके से उच्च न्यायालय के टॉपिक भी आपको भारत की न्यायिक व्यवस्था को समझने में मदद करेगा और आप लोगों को परीक्षा में इससे संबंधित सवालों को हल करने में सुविधा प्रदान करेगा। तो आप अपने अन्य टॉपिक के साथ साथ इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में एक जुनून पैदा कीजिए, और जब आप किसी भी लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ेंगे तो आपको समस्याएं नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जब आप समस्याएं देखेंगे तो लक्ष्य नजर नहीं आएगा। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चयी होकर के पाने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास कीजिए। कोई भी ताकत ऐसा नहीं है जिसे आपको लक्ष्य तक पहुंचने से मना कर पाएगा। तो पुनः अगले लेक्चर में हम आप एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।